ओम शांति। 31 अक्टूबर 75 अव्यक्तवाणी महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। मीटिंग में आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने यह मधुर महावाक्य उच्चारे। प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मुहूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मुहूर्त बनने में जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए। महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है, वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी, संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी, और अगर संतुष्टता न कराई है तो नाम के महारथी है, वे काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं, माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है, मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहे। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है, जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। महारथी मोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए, नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है तो फल नहीं लगता, अगर फल लगता भी है तो सेकेंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। महारथी जिसमें सर्व सिप्ते हो अर्थात सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताओं हो। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का है, निमंत्रण महारथियों को मिला है। सफलता मुहूर्त बनने के लिए मुख्य दो विशेषताएं चाहिए, एक प्यूरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्यूरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्यूरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्यूरिटी नहीं, इम्प्यूरिटी कहेंगे। प्यूरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है, संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी न हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए, निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावस्था ही
महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे, सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती है। हद के हो सकते हैं, बेहद की सर्विस के लिए ये दो बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है। वाह वाह, तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती है तो सबके मुख से यह निकलता है, ये एक ही बात कहते हैं, इन सब का एक ही टॉपिक एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। इसका प्लान बनाया है, प्लान सुनाए गए, एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपोगंडा में ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए जिससे एक तो कम खर्च वाला नशीन द्वारा मेहनत कम सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। प्लान्स तो सब ठीक ठीक है, सर्व प्लान्स जो सुनाए तो हरेक डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी। कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह जरूरी है। गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। मिनिस्टरी वकील और जज सब चाहिए। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर वकील आदि, तो इसके लिए भी सबका संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री एसोसिएशन आदि का अभी सभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं, पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे है, इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बनाया है लेकिन निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। यह भी प्राइज है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो, प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं, तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो
उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो। सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो सबकी मदद चाहिए, हर एक को कोई न कोई ड्यूटी बांटो। जरूर जैसे प्रसाद सबको देते हैं, तो यह सेवा का भी प्रसाद सभी को बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे चक्कर लगाने वाला हो और चाहे फिदा होने वाला हो। तो इस वर्ष में यह विशेषता हो, जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहे कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहे कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा वह नहीं, नहीं मेरा प्रोग्राम है। ऐसा सबका आवाज हो तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, ओम शांति।